ओके गाइस, अब आते हैं हम एजीबली सेक्शन पे। राइट, क्वेश्चन नंबर 253, क्वेश्चन नंबर 253। अच्छा, 256 अपना हो चुका है, 255 भी हो चुका है अपना, 254 पेरो से इतना ऐसा क्वेश्चन है जो अपना सिलेबस में नहीं है, तो 253 डायरेक्टली। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इंटरसेक्ट्स विद टू लाइंस। मान लो दीज आर द टू लाइंस, से √3x + y = 0 एंड से दिस इज √3x - y = 0। क्लियरली ये दोनों 0,0 पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक लाइन है जो पास हो रहा है 2,2 से and it is intersecting these two lines, fine. Then the equation of line AB, अच्छा at A and the second को B पर, ताकि OAB is equilateral. Simple है, ये शायद से कल वाला क्लास में किया था हमने। ये equilateral का मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, माने AB एक ऐसा लाइन है जो OA और OB के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, सेम एंगल बना रहा है। तो रिमेंबर इसका मतलब क्या करते हैं हम, इसका स्लोप फाइंड करते हैं, है ना। विल ट्राई टू फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाइन। कैसे, सेम देखो, इसका स्लोप m1 का स्लोप -√3। मान लो ये m2 है, ये m3 है, m3 का स्लोप है √3, ठीक है। सो ऑब्वियसली m1 - m2 अपॉन 1 + m1। अब देखो ये वाला ऑर्डर हो गया, अभी इधर से स्टार्ट होगा m2 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 + m2 रूट थ्री। सो कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल, माइनस रूट थ्री इंटू 1 माइनस रूट थ्री, माइनस रूट थ्री इंटू दिस, माइनस रूट थ्री इंटू दिस, माइनस थ्री एम टू, माइनस एम टू, माइनस इंटू प्लस माइनस रूट थ्री m2 square is equal to इनका मल्टीप्लीकेशन m2 minus root 3 minus root 3 m2 square minus into minus plus 3 m2। अच्छा ये और ये कटेगा, है ना, दोनों माइनस माइनस, ये माइनस रूट थ्री माइनस रूट थ्री भी कटेगा, ये पूरा कॉन्स्टेंट टर्म ही तो बाकी है, सॉरी ओनली वेरिएबल टर्म्स बाकी है, माने माइनस थ्री माइनस ये वाला होगा माइनस फोर एम टू इज इक्वल टू फोर एम टू, ये कब होता है, या एक उधर की तरफ शिफ्ट करो एट एम टू, तो क्लियरली एम टू इज जीरो, इजंट ऑब्वियस, एम टू जीरो है, एम टू इज जीरो। रिमेंबर जीरो का मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वाई इज इक्वल टू के, इज इक्वेशन, ठीक है। 253 का ऑप्शन बी। अच्छा 252 शायद से हमने क्लास में किया था ऑलरेडी, रिमेंबर वी हैव बीन गिवन टू लाइंस 2x + 7y - 5 0, 24x + 7y - 20 0, 4x - 3y - 2 = 0, है ना। सो वी नीड टू चेक वेदर दे आर कॉन्करेंट, एंड इफ दे आर दे जस्ट कॉन्करेंट या वन लाइन बाइसेक्ट्स द अदर, माने इसका मतलब वो तीनों के तीनों कॉन्करेंट तो होंगे ही, मान लो क्या कॉन्करेंट भी है और क्या उनमें से एक लाइन बाकी दो लाइंस का एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, माने इज वन ऑफ द टू लाइंस, वन ऑफ द थ्री लाइंस बाइसेक्टर ऑफ अदर टू, ये भी अपने को पता करना है। तो पहली बात ये है कि हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे कि ये कॉन्करेंट है कि नहीं पता करने के लिए, चेक वेदर दे आर कॉन्करेंट और नॉट, व्हाट डू वी डू, वी फाइंड डिटरमिनेंट। रिमेंबर 211 माइनस 5, 24 7 माइनस 20, 4 माइनस 3 माइनस 2, तो सॉरी डिफाइन डिटरमिनेंट की वैल्यू, अगर ये जीरो आ गया तो ये कॉन्करेंट, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, तो ये जीरो आएगा, है ना, यू विल फाइंड दैट इट विल कम आउट जीरो। अब क्या है कि अब अपने को चेक करना है कि वो बाइसेक्टर है कि नहीं इनमें से कोई एक लाइन। तो आपने नोटिस किया कि रिमेंबर बाइसेक्टर का मतलब फर्स्ट लाइन प्लस माइनस सेकेंड लाइन अपॉन रूट ओवर अपॉन रूट ओवर, यही होता है। तो रिमेंबर जनरली ना ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करता है जनरली, तो क्लियरली वो यहां है 4, -3 24, 7, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। सो 24 7 गिव्स यू 25, है ना, 4 3 का विल बी 5। तो यूजुअली
इन सच केसेस वन ऑफ द टू बाइसेक्टर्स हैज टू बी दिस, जनरली होता है ना। ये वाला लाइन क्या है 24 7y - 20 और इधर है 4x - 3y - 2 है ना। देखो 5 5s है तो 24x सॉरी x प्लस 7y - 20 इज प्लस माइनस 20x - 15y - 10। अब चेक करो, एक काम करेंगे हम प्लस साइन लेते हैं, तो 24x प्लस 20x इधर आया तो -20x 24 - 24x 7y इधर आया 22y + 22y। देखो ऑलमोस्ट आ ही गया, टू से डिवाइड करने पे आ जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। तो हमने क्या किया, प्लस साइन लिया, यहाँ प्लस साइन लिया तो प्लस वाला साइन बाइसेक्टर इज दिस लाइन, इसका मतलब ऑप्शन सी है इसका। माने द थ्री लाइंस नॉट ओनली बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन, सॉरी द थ्री लाइंस आर नॉट ओनली कॉन्करेंट एंड दिस इज बाइसेक्टर ऑफ दिस। ठीक है, 251 हो चुका है, 249 250 स्किप क्योंकि ये एंगल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, 248 स्किप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, 247 हो चुका है, 246 स्किप, 245 और वो ये है कि ABC HP में है। तो रिमेंबर एक फॉर्मूला था 2 upon b is 1 upon a plus, इसको थोड़ा से रिअरेंज करेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे इसको, तो क्या आएगा 1 upon a - 2 upon b + 1 upon c 0। रिमेंबर वी सिंपली कंपेयर, याद है कंपेयर करेंगे क्योंकि 1 by c 1 by c सेम है, कांस्टेंट टर्म सेम है, तो x की जगह 1 है और y की जगह -2, तो क्लियरली आंसर इज 1 - 2, दिस इज योर फिक्स्ड पॉइंट 245। 243 हो चुका है, अरे 243 दो बार रिपीट हुआ है, अच्छा तो ये 244 है, 244 हुआ, 243 हम कर देंगे, a comma a square falls inside the line made by, now remember बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है, ये पॉइंट इसमें डालेंगे आपको L11 मिलेगा, ये इसमें डालेंगे तो आपको L22 मिलेगा सेकंड लाइन का पॉइंट। तो याद है सेम साइन तो सेम साइड, ऑपोजिट साइन इसका मतलब ऑपोजिट साइड समझ लेता है, या ये तो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, कि इसमें क्या है कि इनके बीच में लाया जा रहा है, इनके बीच में लाया जा रहा है इसका मतलब एक के ऊपर एक के नीचे, याद है एक लाइन का ऊपर का मतलब वो पॉजिटिव, एक लाइन का नीचे का मतलब वो नेगेटिव, इसके मतलब आपका L11 into L22 क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, सही है पक्का श्योर है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर एक लाइन के नीचे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हैज टू बी नेगेटिव, सिंपल है पक्का श्योर है। बट रिमेंबर दे हैव टू बी इन जनरल फॉर्मेट, हमेशा L11 L22 का मतलब जनरल फॉर्मेट, इसको हम जनरल फॉर्मेट में लिखेंगे 2y is equal to x, माने x minus 2y is equal to 0. What about this one? 3x minus y is equal to 0. अब इसमें डालेंगे a comma a square, इसमें डालेंगे तो a minus 2 a square into इसमें डालेंगे 3a minus a square. This has to be negative. अच्छा, तो एक काम करेंगे दोनों में से a common a into 1 minus 2 a, इसमें से भी a common, तो बाहर में a square होगा. तो ये 3 माइनस ए, ये नेगेटिव, रिमेंबर ए स्क्वायर हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव। अच्छा एक काम करेंगे हम, दोनों में वेरिएबल का कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करेंगे, इसमें से नेगेटिव साइन, इसमें से नेगेटिव साइन, अब दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, साइन फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों में से नेगेटिव 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 पॉजिटिव, अब ये तो हमेशा पॉजिटिव है तो इसको हम वेरिएबल करके प्लॉट नहीं करेंगे, प्लॉट किसको करेंगे, सिर्फ इन दोनों को, ए का ए 3 है और दूसरा का ए 1/2 है, रिमेंबर नेगेटिव का मतलब बीच में लाइन
करता याद है, राइट एक्सट्रीम में पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, लेफ्ट एक्सट्रीम में पॉजिटिव, तो क्लियरली ए इन दोनों के बीच में लाइक करता, अने ए इज ग्रेटर देन 1 बाय 2 बट लेस देन 3। यस ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, रिसेंटली 2021 में एक क्वेश्चन आ चुका है इसका, है ना, लेकिन उसमें दो पॉइंट्स एक लाइन था, दो पॉइंट्स एक लाइन, दो पॉइंट सेम साइड में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सेम फंडा लगेगा, है ना, सेम फंडा लगेगा। और कौन सा लाइन है यहाँ 237, तो 242 हो चुका है, 241 स्किप क्योंकि वो पेयर ऑफ स्टेटमेंट है, 240 हो चुका है, 239 हुआ था, इनफैक्ट ये पेपर में भी आया था, 238 भी हो चुका है, 236 भी हुआ है, तो हम अब करेंगे 237। लाइन एल गिवन बाय एक्स बाय फाइव प्लस वाई बाय वी इज 1, इट पासेस थ्रू द पॉइंट 13,32। इफ के, अच्छा ये एल है, अच्छा इफ के इज पैरेलल टू एल, अच्छा और इसका इक्वेशन है एक्स अपॉन सी प्लस वाई अपॉन थ्री इज 1, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, क्या दोनों का शेकल सेम होना चाहिए, लेकिन आपने नोटिस किया है अगर आपने सी की जगह 5 ले लिया, बी की जगह 3 ले लिया, तो दोनों एकदम सेम हो जाएंगे, उनके बीच का डिस्टेंस शून्य होगा, लेकिन ऑप्शन में शून्य नहीं है, और ऊपर से ये पॉइंट इसमें लाई करना चाहिए। अच्छा तो ये वाला पॉइंट उसमें डाल के अपने को पहले ना बी निकालना होगा, सो पुट दिस पॉइंट इन एल टू फाइंड बी, 13/5 प्लस 32/बी इज इक्वल टू 1, तो 13b प्लस 160 है ना इज इक्वल टू 5, तो 8b इज इक्वल टू -160, तो b कितना होगा -20, तो द एक्चुअल इक्वेशन इज x अपॉन 5 प्लस y अपॉन -20 इज इक्वल टू 1, सही है ना। अब कि इससे पैरेलल है तो यहां क्या होना चाहिए, गड़बड़ तो नहीं किया, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में से 13/5 प्लस 13/3 सही है। अच्छा दोनों पैरेलल होने के लिए स्लोप सेम, आपने नोटिस किया इसका दोनों इंटरसेप्ट क्या है 5 और बी है, याद है जब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होता है तो उसका स्लोप कितना होता है -b/a होता है, याद है, तो इसका स्लोप है -b अपॉन a 5 है, तो इसका स्लोप 4 है। अच्छा इसका स्लोप -b/a, ये भी 4 होना चाहिए, इसके हिसाब से c हैज टू बी -3/4, ठीक है, तो वापस जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली एल कितना होगा। अच्छा एक काम करेंगे इसको अपने जनरल फॉर्मेट में लिख लेते हैं, वैसे कोई दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो एल सिंप्लीफाई होगा 4x -y इज इक्वल टू 20 या -20 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सी की वैल्यू डालेंगे यहाँ, तो की कितना होगा एक्स अपॉन -3/4 प्लस वाई अपॉन 3 इज 1, तो k हो जाएगा 4x माइनस y है ना, माइनस साइन इधर से किया तो वो वाला भी माइनस इज इक्वल टू -3 माने +3 0 श्योर फाइनली, सो देयरफॉर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस c1 माइनस c2 या c2 माइनस c1 जो भी, सो डिस्टेंस होगा मॉडुलस ऑफ दिस माइनस ऑफ माइनस दिस 23 अपॉन रूट ओवर 16 प्लस 1 चलो अब आते दिया क्वेश्चंस पे, शायद से 3 क्वेश्चन है आई गेस, मुश्किल से 257 पेयर ऑफ स्टेटमेंट स्किप, 258 y-axis
y एक्सिस का मतलब x इज इक्वल टू जीरो एंड द लाइंस a का पावर 5 माइनस 2 a क्यूब x प्लस a प्लस 2 y प्लस b a इज इक्वल टू जीरो एंड प्लस 4 y माइनस सॉरी प्लस a माइनस 2 0 ये कॉन्करेंट है. ये कॉन्करेंट है इसका मतलब क्लियरली डिटरमिनेंट जीरो इज इट. अच्छा आपने नोटिस किया एक्स का क्वेश्चन 1 है ये दोनों 0 0 है. अच्छा ये देखो अब आपने को पूरा लिखने की जरूरत है क्या. हम जानते हैं दिस इनटू इन दोनों का माइनस इन दोनों का वही होता है कि बाकी सब तो 0 0 ये तो बने ऑलरेडी तो इन दोनों का. अच्छा ये कांस्टेंट बी के फुल है ना तो a plus 2 इनटू a minus 2 ad minus इन दोनों का माने इन दोनों का 4 into 3a should be equal to 0 3a a square minus 4 minus 12a is equal to 0 a square minus 12a plus minus 4 is equal to 0 ये आएगा. पर how many values a में quadratic है लेकिन remember इसका d निकालना जरूरी है अभी है ना. this tells us the nature of the roots कि सारे के सारे values real है क्या है ना. b square हाँ real आ रहा है ना greater than 0 इसका मतलब दोनों values होंगे a के और वो real है दोनों भी इसका मतलब how many values 2 values पक्का है ना. हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया. a plus 2 a minus 2 हाँ a square minus 4 minus हाँ 250 हम कर चुके already आता है 260 पे. अच्छा 260 पे देखो L1 plus lambda times L2 L3 plus lambda times L4 ये दो family of lines है. He is asking us to find common line to both. इन दोनों का common line निकालना है तो हम जानते हैं remember पहला family of lines मान लो ये है दूसरा family of lines मान लो ये है. देखो एक और line होगा जो दोनों से pass करेगा. मैंने पहले आपको इनका P of POI और इनका POI and simply apply two point form. Simply apply two point form. That's it. So, पहले दोनों का intersection, दूसरा दोनों का intersection, and then simply apply two point form to get the answer. तो कर सकते हो आप लोग है ना? Easy. और कोई question है? बाकी सब किए थे हमने है ना? 268. An equilateral triangle. अच्छा, अभी अभी बात की हमने. यहाँ ना उन्होंने centroid दे रखा. बट रिमेंबर सेंट्रोइड एक्सेट्रा इन सेंटर वगैरह सब सेम है क्योंकि इक्विलैटरल है. ये क्या ओरिजिन है और एक साइड दे रखा है x plus y is equal to माने x plus y minus 2 0. तो देखो इमीडिएटली आपको क्या फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इससे आपको स्मॉल r मिलेगा है ना. इससे आपको स्मॉल r मिलेगा. अपने को निकालना क्या है डेल्टा एरिया. एरिया इज बेसिकली रूट 3 बाय 4 इनटू साइड का स्क्वायर. बट रिमेंबर अपने को हाइट मिलेगा. हाइट क्या होता है रूट 3 बाय 2 इनटू साइड. तो साइड कितना होगा 2h अपॉन इसमें डालो 4h स्क्वायर अपॉन 3 4 4 कटेगा तो h स्क्वायर अपॉन 2 3 है ना. इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस फार्मूला अगर मान लो इक्विलैटरल का हाइट है साइड निकालो फिर ये वाला फॉर्म अप्लाई करो चलेगा या h स्क्वायर बाय रूट 3 ये याद रखोगे तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो. अच्छा एनीवे इसका डिस्टेंस फार्मूला डालो इसमें पॉइंट माइनस 2 अपॉन रूट 2 तो 2 अपॉन रूट 2 माने रूट 2. नाउ हाइट इज इसका 3 टाइम्स है ना. इसका 3 टाइम्स क्योंकि ये 2 आ रहा है तो h इज 3 टाइम्स इज 3 रूट 2. तो फाइनली एरिया इज h स्क्वायर अपॉन रूट 3. रैशनलाइज करना पड़ेगा 9 into 2 into root 3 upon 3 3 3 6 root 3 square units is our answer. Okay, so anyway, it was an easy question, not difficult at all. Right, so advance your questions kal wala lecture mein hum cover karke koshish karenge. Okay, so see you in tomorrow's class.